नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन नेवी MR के लिए प्रैक्टिस सेट। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। कुल दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 30 मिनट में सोल्व करने हैं। दोस्तों, ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके दोनों सेक्शन से लिए गए हैं। जिस प्रकार आपके इंडियन नेवी MR का एग्जाम होता है उसी प्रकार जो है क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स और साइंस के हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको जो है कितने मार्क्स मिले हैं इस टेस्ट में। कुल 50 हैं दोस्तों, 50 में से आपको बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है इस टेस्ट में। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल अच्छे से अच्छा एग्जाम दें, तो आप जो है जरूर से प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको 35 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अगर आप उस प्रैक्टिस सेट को खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से जाइए, चेक कीजिए। केवल और केवल 93 जो है उसकी कीमत है। अगर आपको अच्छे लगे तो उन्हें आप भी खरीद भी सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टाज आर? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द कैपिटल ऑफ गोवा इज? गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पणजी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बनसागर बांध किस नदी पर बना है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जो बनसागर बांध है वो यहाँ पर जो है सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है बिहार में। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर जो है कमेंट करना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो मिजोरम राज्य है उसकी राजधानी आइजोल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, AO Hume। और कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज द महात्मा गांधी एसिनेटेड? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और अब जो है आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, व्हेन वाज महात्मा गांधी एसिनेटेड? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोटिंग राइट इन इंडिया स्टार्ट एट व्हाट एज? भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको कमेंट करना है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक आयु के कैंडिडेट्स जो है मत डाल सकते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है संसार यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एन अडल्ट हैज डैश टीथ? एक वयस्क में कितने दांत होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप जो है जल्दी जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 32 जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्वड? व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्वड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जो है विश्व जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला है? तो इसका चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए दोस्तों, आपको बताना है कि ये प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप सभी ने बिल्कुल सही जो है कमेंट किया है, थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैंकॉक। थाईलैंड जो है विश्व में सबसे अधिक रबर उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता है और कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वॉज, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, यानी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड, गोवा कब स्वतंत्र हुआ। दोस्तों आपको पता है 1947 के बाद तक भी जो है गोवा पर जो है पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि कब जो है गोवा स्वतंत्र हुआ था। तो नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1961 में भारत ने जो है गोवा को भी अपने में मिला लिया है, यानी भारत ने गोवा को आज़ाद करा लिया था और अपने आप में मिला लिया था। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी चाइना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट इज द प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, नदी का तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तरुणावस्था मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया होती है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी वैली डीपिंग जो इसका राइट आंसर होगा, घाटी को गहरा करना। यानी दोस्तों जो तरुणावस्था नदी का प्रभाव बहुत तेज होता है जिससे घाटियां गहरी होती जाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज इन्वेंटेड एलईडी, एलईडी का आविष्कार किसने किया। एलईडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड, इसको आपको बताना है कि किसने इसका आविष्कार किया। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि क्या जो है आपके अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, निक होलोनिक ने जो है प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था। ये 1962 में जो है इन्होंने आविष्कार जो है इसका किया था। इसकी फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हेन डिड जलियांवाला बाग हत्याकांड ट्रेजेडी अक्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1999 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बढ़ते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, हु रोट द बुक इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी थी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इंडियन होम रूल बुक जो है किसने लिखी थी, पुस्तक जो है के लेखक जो है कौन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसके जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जो है इसके लेखक हैं, एम के गांधी। ये पुस्तक दोस्तों 1909 में गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है, हु बिल्ट गेटवे ऑफ इंडिया। आपको पता है कि दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ये आपको बताना है कि वो गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो एक महान ऐतिहासिक स्मारक है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान इसका निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण दोस्तों किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी ने सन 1911 में करवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोस्तों इसका जो है निर्माण करवाया था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु बिल्ट शांति निकेतन, शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था, यानी किसने किया था। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है कि हु बिल्ट शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को। दोस्तों शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है, भारत की वीरभूमि जिले में, यानी पश्चिम बंगाल के जो है वीरभूमि जिले में जो है स्थित है। यहाँ दोस्तों आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, उन्हीं
के नाम पर दोस्तों शांति निकेतन नाम से आश्रम बसाया गया था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अडोल्फ हिटलर द डैश पॉलिटिशियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनोसाइड ऑफ मिलियन ऑफ ज्यूज। अडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको पता है कि जो अडोल्फ हिटलर है वो कहाँ से बिलोंग करता था, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से बिलोंग करता था। तो अडोल्फ हिटलर दोस्तों जर्मनी का राजनेता और तानाशाह था। इसे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद निजी पार्टी बनाई और 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों का नस्ल संहार किया था। इसकी आत्मकथा मैन कैम्फ है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम। दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको सही उत्तर जो है कमेंट करना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्ट ऑफ 1909। तो 1909 का जो है एक्ट के द्वारा जो है ये पेशकश की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण को बताती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द कोरस्पोंडिंग रीडिंग इन केल्विन स्केल। आप दोस्तों पानी का भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो एक यहाँ पर जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम उसे केल्विन में बदलेंगे तो ऑप्शन नंबर है 373 केल्विन जो है बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कहता है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि सबसे तेज कहां पर चलती है। तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है, साउंड की स्पीड होती है, वो जो है सॉलिड में होती है, और सॉलिड इन चारों में से एक ही है स्टील। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहीं से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो आपको पता है ओम है, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर ओम भी लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को ओम्स ने दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय। दोस्तों काफी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी मैंने जो आपका MR के लिए साइंस के मैं आपके टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लेंस की अपवर्धन अक्षमता मापी जाती है। द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, डेप्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन मीजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर जो है कमेंट करना है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, आइग्रोमीटर। आइग्रोमीटर से दोस्तों जो हमारा जो वेदर होता है उसके अंदर की ड्राइनेस यानी आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मापा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड द फारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री -40 डिग्री पर दोस्तों फारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल होता है दोनों सेम रीडिंग शो करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज। बल का मात्रक CGS पद्धति में है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डाइन। डाइन दोस्तों जो है बल का मात्रक है CGS में, बाकी SI में दोस्तों न्यूटन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको बताना है कि दोनों का सुचालक है। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों का सुचालक बताना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपके जो ऑप्शन नंबर बी है जो सिल्वर है वो यहाँ पर इन सभी में से सबसे ज़्यादा सुचालक है। किस चीज़ का, ऊष्मा और विद्युत का। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो पारा होता है मरकरी होता है वो यहाँ पर जो है इंसुलेटर टाइप
आप कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ बाकी ब्रास भी जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, गोल्ड भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 22 Na contains how many neutrons? 22 sodium Na दोस्तों सोडियम का जो है सूत्र होता है, में कितने न्यूट्रॉन होंगे? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर जो है कमेंट करना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हाफ होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी जो है आप कह सकते हैं कि 22 Na में 11 जो है आपके न्यूट्रॉन होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कहता है वो है, व्हाट इज़ द मिडल लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर जो है कमेंट करना है। सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मेटल, मेंटल यानी प्रावर, प्रावार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ऑन विच फैक्टर बयोन्सी डिपेंड फॉर अ गिवन बॉडी? किसी वस्तु पर लगने वाला प्लावन बल किसी घटक, किस घटक पर निर्भर करता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको इसका सही उत्तर जो है कमेंट करना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी यानी घनत्व पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज? जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम बदलता नहीं बदलता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बिल्कुल भी नहीं बदलती है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ जो है और स्पीड जो है चेंज होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स? अभी केंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र बताएं दोस्तों, आपको कमेंट करना है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फोर्स यहां पर सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एफ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम मास है, वी वेलोसिटी है और आर जो है रेडियस है। चार ऑप्शन में से बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ साउंड? निम्नलिखित में से ध्वनि का प्रकार क्या है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी जो है ध्वनि, एनर्जी का ध्वनि का एनर्जी का ही प्रकार है दोस्तों ध्वनि, यानी निम्न ध्वनि का प्रकार आप जो है एनर्जी का प्रकार ही जो है ध्वनि है, क्योंकि जो साउंड है वो भी एक टाइप की एनर्जी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता है और इसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स राइट देंगे, डीएनए इज रिप्रेजेंट विद इन, डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस यानी आपका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो, ए का घन जमा बी का घन जीरो है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नहीं ऑप्शन बी न ए न सी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए प्लस बी जिस प्रकार अंडर रूट थ्री ए बी से संबंधित है, इक्वल है, उसी प्रकार दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो होगा अगर ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए बी है तो। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इफ अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है तो डेफिनेटली आप इसे सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेना है उसके बाद आप जो है इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू टेकेंगे रखेंगे और जो है आप सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 12, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों अगर आपके आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका पीडीएफ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मैथमेटिक्स के डिटेल्ड
सॉल्यूशन देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस का, ताकि आप और अच्छे से जो है समझ पाएं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज 15 / 12, निम्नलिखित में से 50 / 12 के बराबर है। तो यहाँ पर आप दोस्तों सोल्व करना है आपको, और आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, पहले आप जो है 50/12 की वैल्यू निकालिए, उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा जो है सेम वैल्यू दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50/4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आता है, इफ 46 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर इक्वल टू 45p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? आपको वैल्यू बतानी है पी की। आपको सिंपल सोल्व करना है दोस्तों, 46 का स्क्वायर / 44 का स्क्वायर इक्वल टू 45p, पी की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो दोस्तों जो पी की वैल्यू होगी वो आएगी आपकी 4 जो है पी की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखिए यहां पर इसके बाय में अगर आप 45 को लेकर आ जाते हैं तो इक्वल टू पी हो जाएगा, और सिंपल आप सोल्व करके जो है निकाल पाएंगे, 4 जो है इसकी वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में भी आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, 0.538 × 0.538 − 0.462 × 0.462/1 − 0.924। यहाँ पर देखिए दोस्तों a² - b² / यहाँ पर देखिए अगर हम एक में से 0.924 को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0.076 आएगा, और ऊपर भी आपका 0.76 × 1 आएगा, तो अगर आप इसे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर c 1 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, इफ a² = b² + √9/c, देन c इज इक्वल टू, c की वैल्यू आपको निकालनी है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले आप कीजिए a² = b² + √9/c, तो यहाँ पर दोस्तों b का जो प्लस का है इधर आप लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और सोल्व करते करते आप जो है c की वैल्यू निकाल पाएंगे। c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर c 9 / a - b² और होल का स्क्वेयर, तो ऑप्शन नंबर c जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्वेयर रूट निकालना है 300 × 7.5 का, 300 × 7.5 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो दोस्तों अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर d 2.5 / 1/2 × 30। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3630 एंड देयर एचसीएफ इज 9, इफ द सम ऑफ नंबर इज 153 देन द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। दोस्तों आपको जो है दो नंबर दिए हुए हैं, उनका एलसीएम आपको बताया हुआ है कि 630 है, उनका जो एचसीएफ है वो बताया हुआ है 9 है, और उनका जो योग है सम है वो 153 है। आपको जो है दूसरा नंबर बताना है, तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो इसको एक्स के इक्वल भी देख सकते हैं, और आप सोल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा 10/7। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा 10/7। पहले दोस्तों आपको जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो है यहाँ पर x/y निकालेंगे तो 10/7 आएगा, 10/7 जो इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 7 ईयर, इन हाउ मैनी ईयर्स इट बिकम्स 4-fold? कोई धन साधारण ब्याज दर से 7 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में अपने का 4 गुना होगा? 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको जो मूलधन रखना है वो पहले वाला ही रखना है, आपको बताना है कि कितने वर्षों में जो है 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, 21 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें तो t1/t2 = n1 - 1/n2 - 1। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टू ट्रेंस ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 210 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स, इफ देयर स्पीड इज 40 km/h एंड 32 km/h रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर? आपको बताना है कि वो कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। एक की लंबाई है दोस्तों 190 मीटर, दूसरी के 210 मीटर, एक जो है 40 km/h की रफ्तार से चल रही है, दूसरी 32 km/h की रफ्तार से चल रही है। आपको बताना है कि वो दोनों आपस में जो है क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो चार ऑप्शन
ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। 20 सेकंड में जो है एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2, और इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो 20 सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। और बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर जो किलोमीटर में है, बाकी अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 18 अपॉन 5 से जो है मल्टीप्लाई भी आपको करना होगा। दोस्तों अगर आप मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इन 10 के 10 क्वेश्चन का, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मैथमेटिक्स की किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो उस PDF से आप सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप इंडियन नेवी MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडियन नेवी MR के लिए प्रैक्टिस सेट बुक खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे हैं। 35 सोल्ड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें से मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर बनाए गए हैं। दोस्तों केवल और केवल 93 में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इंडियन नेवी MR के लिए। आप जो है 2 से 3 बार इन प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा ताकि आप जो है एग्जाम में काफ़ी अच्छी जो है स्पीड बना पाए, क्योंकि स्पीड ही जो है नेवी MR के एग्जाम में आपको सक्सेस दिला सकती है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को जितना उसके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।